इधर तो मुझे। अगर आप मेरी माँ ना होती ना तो सरकप पे मैं आपको। तुम ये समझ रही हो ना कि तुम्हारे अब तबलीग पर चले गए, तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई। भूल है तुम्हारी, देर वापस। वो मुझे तुम्हारा निगरान बनाकर गए, फोन कर करके तुम्हारे बारे में पूछते हैं, लंबी लंबी हिदायतें देते हैं। तो क्यों देते हैं भाई? अल्लाह की इबादत करने गए तो वो काम करे ना। ये पीछे क्यों पड़े? मेरी जान पर क्यों अजाब बने? क्यों नहीं छोड़ते मेरा पीछा? और क्या किया ऐसा मैंने? क्या गुनाह कर दिया? घर से भाग गई हूँ क्या मैं? तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई? तुम करने क्या लगी हो? कहाँ जाती हो इतना बनठन के रोज? किससे मिलने जाती हो मुझे सच से बता दो। यूनिवर्सिटी जाती हूँ भाई, और कहाँ जाऊंगी? पढ़ाई करनी है मैंने, उसके बाद जॉब करनी है। जॉब का नाम तो अपनी जुबान पे लाना भी मत, तुम्हारे अब्बा तुम्हारी भी टांगे तोड़ देंगे और मेरी भी। हाँ तो तोड़ दे, सही है। टांगे टूट जाएंगी ना, माजूर हो जाऊंगी तो बैठ जाऊंगी, लेकिन जब तक मेरी टांगे सलामत रहेंगी ना अम्मा, तब तक मैं इस घर में नहीं बैठ सकती। हरीम हरीम हरीम, तुम क्यों इतनी जिद्दी होती जा रही हो? क्यों इतनी खुदगर्ज हो गई हो? तुम्हें पता है अम्मा, बीवी और बेटी पे कौन मर्द पहरे लगाते हैं? वो मर्द जिनके अपने दिल में चोर होता है, वो मर्द जो अपनी जिंदगी में बेईमानियां कर चुके होते हैं। चुप हो जाओ, बिग लव्स भी मत निकालना वरना मैं। डर होता है ना उन्हें, डर होता है इस बात का कि कहीं उनके अमाल मकाफात अमल बन के उनके सामने ना आ जाए। हरीम, मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी, गला दबा दूंगी। दबा दे गला, जब वापस आऊंगी ना दबा दीजिएगा गला। कि जिस तरह की जिंदगी आप लोग मुझे जीने देते हैं ना अम्मा, उस तरह की जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि मैं गले में फंदा डाल के खुद को मार लूं, फांसी लगा लूं।